नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराने भारत के पूर्व दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित को दिया गुरु मंत्र। अब इंग्लैंड को हराना टीम इंडिया के लिए हो गया बाएं हाथ का खेल। क्या कप्तान रोहित शर्मा करेंगे इंग्लैंड पर धोनी के गुरु मंत्रों का वार, या फिर झेलनी पड़ेगी सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया को शर्मनाक हार? क्या होंगे टीम इंडिया में बड़े बदलाव, या फिर उसी टीम से ही कप्तान रोहित शर्मा डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराने के लिए चलेंगे महेंद्र सिंह धोनी का दाव? चलिए तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराने के लिए कप्तान रोहित शर्मा को लेकर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने क्या बड़ा बयान दिया है, और ऐसे कौन सा गुरु मंत्र कप्तान रोहित शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी ने दिया है जिसके वजह से अब इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हारना टीम इंडिया के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है। सुनाएंगे पूर्व दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी का पूरा बयान, और साथ ही साथ टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में क्या क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे वाले फैंस हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दरअसल आज के खेले जाने वाले सेमीफाइनल के महामुकाबले में टीम इंडिया पहले टॉस जीतकर हर हाल में बल्लेबाजी ही करना चाहेगी, क्योंकि आज के खेले जाने वाले सेमीफाइनल के महामुकाबले में बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा है। ऐसे में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने की कोशिश करेगी, ताकि डीएलएस मेथड के चलते भी टीम इंडिया जीत सके। आपको बता दें कि वैसे तो अब तक के खेले गए T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में टीम इंडिया ने काफी लाजवाब का प्रदर्शन किया है, और अब तक सभी मुकाबले में काफी शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाला है, और T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए इन बचे हुए दोनों ही महामुकाबले में टीम इंडिया के लिए जीत दर्ज करना बेहद ही जरूरी होगा। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा 12 साल से टीम इंडिया के फैन से सब्री से इंतजार कर रहे उनका भरोसा बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहेंगे, और इस बार की चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करके T20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार हर हाल में टीम इंडिया को चैंपियन बनाना चाहेंगे। चलिए तो दोस्तों आप नजर डालते हैं टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के जादुई बयान के ऊपर। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बड़े बयान में कहा, अगर आपको पिछली बार के डिफेंडिंग चैंपियन रहने वाले इंग्लैंड जैसे मजबूत टीम को हराना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने ज्यादा से ज्यादा स्पिनरों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि गुयाना के मैदान पर अक्सर स्पिनर गेंदबाज को काफी ज्यादा मदद मिलती है। ऐसे में आप कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल तीनों ही स्पिनर गेंदबाज को आपको पूरा 12 ओवर कराने होंगे, और ये तीनों ही स्पिनर इंग्लैंड के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल आपको पावर प्ले में सही तरीके से करना होगा। और अगर 10 ओवर तक आप इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को भी बेहद ही लाजवाब फॉर्म में चल रहे जोस बटलर, फिल साल्ट और जॉनी बेरेस्टो को पवेलियन की राह दिखा देते हैं तो आपको अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे तेज गेंदबाज का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर बिखरने के बाद ये गेंदबाज इंग्लैंड के ऊपर काफी दबाव बना सकते हैं। और जबकि टीम इंडिया की बल्लेबाजी में एक बड़े बदलाव की बेहद जरूरी है, आपको शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के महामुकाबले में मौका देना होगा, क्योंकि रिंकू सिंह अक्सर टीम इंडिया का दबाव झेलने के लिए जाने जाते हैं, और जबकि शिवम दुबे ने अब तक दबाव में टीम इंडिया के लिए कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं और लगातार टीम इंडिया के लिए फ्लॉप साबित हुए हैं। ऐसे में आपको सेमीफाइनल में रिंकू सिंह को हर हाल में मौका देना होगा। वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया को लगातार तूफानी शुरुआत दिलाते हुए आ रहे हैं। हाल में ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी क्या ही शानदार पारी खेली और लगातार छक्के पर छक्के लगाए, लेकिन टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी में भी एक बड़े बदलाव बेहद ही जरूरत है। हमने अक्सर देखा है विराट कोहली तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के लिए वरदान साबित होते हैं और लगातार टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन पारी खेलते हुए नजर आए हैं, और अब बड़े मुकाबले आ चुके हैं। ऐसे में आपको विराट कोहली को तीसरे नंबर पर और ऋषभ पंत से टीम इंडिया की ओपनिंग करानी होगी, क्योंकि ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर भी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो आते ही आते छक्के और चक्कों की बरसात करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर वो टीम इंडिया की ओर से ओपनिंग करते हुए आएंगे तो टीम इंडिया का लक्ष्य एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंच सकता है। ऐसे में टीम इंडिया की बल्लेबाजी भी पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तीसरे नंबर पर विराट कोहली तो वहीं चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव और पांचवें नंबर पर शानदार लय में चल रहे रिंकू सिंह बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे।